उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। पीडीए और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने उन्होंने। आप बताइए वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहां बैठे हैं, कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं 34 में, पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है, कभी ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरा वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं।